जापानी चौखट, ये देखिए, ना ना ही दीमक लगे ना ही जंग लगे, और देखने में भी सुंदर लगे। फिर से वही चुरा के, इस बार मैंने चुराई, पेन लगा, पिछली बार पता लग गया था, बहुत मार आइए खाया था मैं जानेंगे कि इस। आप अगर दीमक से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए, तो सबसे पहले मुझे पैसा दीजिए, मैं आपको एक उपाय बताऊंगा जिससे कि आपके घर में कभी भी दीमक नहीं लगे। सॉरी मजाक कर रहा था, पर मैं आज मैं आपके लिए एक ऐसी तकनीक लेके आऊँ जो कि अगर आपके घर में लग गई तो आपके घर में दीमक आने के चांस बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। ऐसी क्या चीज़ है जिससे कि आपके घर में दीमक बिल्कुल ही नहीं आएगी? तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं क्या है वो चीज़ जिससे कि आपके घर में बिल्कुल भी दीमक नहीं आएगी। तो आपने लकड़ी भी अपने घर में लगवाया होगा, लोहा भी लगवाया होगा, पर जब आप लकड़ी लगवाते हैं तो दीमक लग जाती है, लोहा लगवाते हैं तो कुछ साल बाद उसमें जंग लग जाती है। पर क्या कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें कि ना ही दीमक लगे ना ही जंग लगे, और देखने में भी सुंदर लगे, और मतलब देखने में बिल्कुल लकड़ी की तरह लगे, ऐसा कोई मटेरियल है? तो हाँ है, इसमें बहुत ही जल्दी ये मतलब अभी बहुत ही जल्दी ये चीज़ आई है कि मतलब ये जो मतलब प्रोडक्ट है ये बहुत ही जल्दी अभी आई है, पहले इसका प्रयोग नहीं होता था। इसे हम लोग कहते हैं जापानी चौखट। यह चौखट एक प्रकार की मतलब देखिए मटेरियल जो होता है उसका तो मुझे नहीं पता, पर ये जापानी चौखट जो है जापान से बनती है। तो ये मैं उसका एक टुकड़ा लेके आया हूँ कि अच्छे तरीके से चुराए, इस बार किसी को पता नहीं लगा, पिछली बार पता लग गया था, बहुत मार खाया था, इस बार किसी को भी पता नहीं चला, बहुत ही अच्छे से मैं चुरा के लेके आया हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, ये है कुछ, इस पर फोकस को ज़्यादा भी मारना चाहिए तो इस पर मार दे रहा है। देखिए ये है कुछ जापानी चौखट, ये देखिए। तो जापानी चौखट की एक सीट होती है जिसका ये बनता है, मतलब एक बहुत ही लेयर सीट होती है, उससे ये खाँचा बनता है, देख पा रहे हैं ये ऐसा रहता है। अब ये जो है इसमें ना ही आपका दीमक लग सकता है, दीमक तो वैसे भी लोहे में लगता है, मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो इसमें पहली बात तो इसमें जंग नहीं लगता है, ऊपर से ये जो आपकी देखने में मतलब जैसे लोहे वाली चौखट देखने में बहुत ही बेकार लगती है, तो ये देखने में भी आपको काफ़ी अच्छी लगती है, देखने में बहुत ही अच्छी लगती है। तो अगर आप लोहा और जापानी चौखट की बात करें तो इसकी फिनिशिंग आप देख सकते हैं कितनी मस्त रहती है, मतलब ये सब जो है ये सब देख सकते हैं आप, ये सब काफ़ी अच्छा लगता है इसमें देखने में। वहीं आप अगर लोहे का बात करें तो लोहे में उतना अच्छा नहीं लगता, और उसमें कुछ समय बाद जहाँ पर पानी वानी गिरता है वहाँ पर जंग लगने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, पर इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें लगभग मतलब ये देखिए ये भी बना लोहे से, पर एक क्वालिटी होती है जो कि लोहे मतलब ये ऐसा कह सकते हैं आप लोहा ही, मैं तो इसको लोहा ही कहूँगा, पर ये ऐसा लोहा है जिसमें जंग लगने में बहुत समय लगेगा। अब इसमें आपको अगर ग्रिल लगवानी है, चौखट लगवानी है, वो सब कैसे लगवाते हैं? तो देखिए ग्रिल लगाने के लिए इसमें स्टील की पाइपें पड़ती हैं, जैसा कि आपको इस जगह पे दिखाई दे रहा होगा, तो स्टील के पाइप पड़ती हैं जिससे कि आप जो भी आपका ग्रिल है वो ऐसे ऐसे मतलब रहता है, वो भी देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है। बाकी अगर हम लोग जैसे देखते हैं इसको मतलब कैसे करते हैं, तो इसमें भी वेल्डिंग के थ्रू ही इसको रोका जाता है, पर इसमें बहुत ही इसकी जो टेक्नोलॉजी या फिर जो कह सकते हैं जो इसकी फिनिशिंग है उसमें काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया गया है। जो इसमें कब्जा लगता है वो यहाँ पे पहले खाँचा कटता है, फिर इसके अंदर स्क्रू कसा जाता है, ना कि वेल्डिंग किया जाता है, मतलब ये चीज़ इसकी जो सुंदरता वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ाती है। वहीं लोहे में अगर आप देखेंगे तो करते तो वो उतना अच्छा नहीं लगता, और इसमें जो भी कब्जे लगते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें क्या क्या फ़ायदा है आपको अगर आप ये लगवाते हैं, तो पहले तो देखिए इसमें आपको दीमक नहीं लगनी, जंग नहीं, वैसे लकड़ी है तो लकड़ी तो है नहीं तो वैसे भी दीमक नहीं लगनी, पर इसमें जंग नहीं लगनी है, पानी से कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, और बाकी जो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है लोहे के दरवाजे में जो कि वो देखने में सुंदर नहीं लगता, उसके लिए आपको आपको ये सबसे बेस्ट रहेगा, उसमें आपको ये एकदम देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, और इसकी लाइफ भी ज़्यादा है लोहे से, तो ये थोड़ा सा उससे महंगा पड़ेगा, लोहे से महंगा पड़ेगा, पर इसकी लाइफ भी ज़्यादा है। ये मैं बता दूँ लगभग आपका लकड़ी की जो चौखट होती है उसी के बराबर पड़ता है, पर ये है कि इसकी जो लाइफ है वो लकड़ी से ज़्यादा है। अगर लकड़ी में दीमक न लगे तो उसकी भी लाइफ है, पर इसमें देखिए आपको बैंड होना वो सब होना कुछ भी नहीं, बस इसमें एक समस्या, देखिए हर चीज़ में एक समस्या होती है, तो इसमें भी एक समस्या, समस्या यह है कि इसके पीछे आपको ये जो आपको ओपन से फेस दिख रहा है इसके अंदर आपको मसाला भराना पड़ता है। अब ये मसाला भराना एक हिसाब से बहुत ही अच्छी चीज़ है, ये अच्छी चीज़ इसलिए कि इसका और जो आपका सीमेंट रहता है उसका पकड़ बहुत ही मजबूत रहता है, इसलिए भी ये खाँचा दिया जाता है। इसका मतलब जो खाँचा दिया गया इसका मतलब यही होता है कि इसके अंदर बहुत सारा मसाला भरा जाता है जिससे कि वो ज्वाइंट हो जाता है, जिससे अच्छी तरीके से जो भी आपका चौखट रहता है उसकी मजबूती बढ़ जाती है। अगर इसकी प्राइस की बात करें तो ये आपको लगभग जो आपका चौखट रहता है उसी के रेंज में मिल जाता है, देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, इसको लगाने में भी कोई खास वो नहीं करना, जैसे आपको लोहे की चौखट लगाते हैं वैसे सेम टू सेम लगा देना है। ये आपको हर जगह नहीं मिलेगा, इसकी स्पेशल दुकान होती है, या फिर अगर आप कहेंगे तो मैं नीचे जो आपका कॉन्टैक्ट नंबर है वहाँ पर एक नंबर दे दूँगा, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
ये आपको, ये मतलब मेरी तरफ से रिकमेंडेड नहीं है, पर मैंने ये बताया कि अगर आप लोहे से परेशान हैं, उसके लिए लोहे से परेशान हैं पर लोहे की फिनिशिंग आपको अच्छी नहीं लगती, तो उसके लिए ये सबसे बेटर है, आप इसकी तरफ जा सकते हैं। इसमें अगर हम लोग मजबूती की बात करके क्या मजबूत रहेगा, तो उसमें यही ज़्यादा मजबूत रहेगा लोहे के मुकाबले, क्योंकि ये आप देख सकते हैं इतना छोटा, पर ये खाली मुड़ता, पर ये मुड़ नहीं सकता, ये मतलब इतना मजबूत है। अगर लोहे के कंपैरिजन की बात करें तो ये आपको ज़्यादा मजबूत रहेगा। इसका नाम है जापानी चौखट, आप कहीं से भी इसको ले सकते हैं, और अगर हमसे लेना है तो 10,000 कमीशन पड़ेगा, उसके बाद ही मैं दूंगा। सॉरी मजाक कर रहा था। आपके नियरेस्ट या फिर आप गूगल बाबा है वहाँ पर सर्च कर लीजिएगा, आपको बहुत ही आराम से मिल जाएगा। मैं तो ये कहूँगा हर एक को लगवाना चाहिए, पर इसके बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, इसीलिए ये ज़्यादा लोगों को मिलता है, मतलब ज़्यादा लोग इसको लगवाते नहीं। तो अगर आपको ये पता लग गया तो आप गूगल पर आप सर्च करके इसके लगवा सकते हैं, याद रखिएगा कमीशन मेरे अकाउंट में भिजवा दीजिएगा अगर आपका मन करे तो। बाकी अगर आपको 2-4 गालियाँ हो तो कमेंट में कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कौन सी वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। आप काफ़ी अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, मेरी जो पहली वाली वीडियो मतलब जो पुरानी वीडियो है उस पर अच्छे खासे व्यूज़ आप दे रहे हैं, तो उसके लिए भी आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आप इसके कुछ सैंपल्स देख लीजिए, जिससे कि आपको पता लग जाएगा कि ये देखने में कैसा लगता है, तो आपको ये सारे सैंपल आप देख सकते हैं। वीडियो उस पर आपने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया, तो मैं उसके लिए भी आप सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार करना चाहता हूँ। उस पर भी लगभग 1,00,000 व्यूज पहुँचने वाले हैं, मजाक मजाक में 1,00,000 हो, 1,00,000 तो कभी नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि आप लोग इतना उसको शेयर ही नहीं करते, देख लेते हैं बस मोबाइल के अंदर रख लेते हैं। भाई उसे शेयर करो, दूसरे को शेयर करो, जिसको ज़रूरत है उसको भेजो। वैसे इस वीडियो की ज़रूरत ज़्यादा लोगों को होती नहीं, फिर भी अगर आपको लगे कि इनको ज़रूरत है तो उन तक शेयर करें, और उनको बताएं कि ये ऐसा है वैसा है, जो कि चैनल की सारी वीडियो एक बार जाके देखें, आपको सारी वीडियो पसंद आएंगी। इस बार मैंने काफ़ी ज़्यादा खर्चा किया और रिंग लाइट मंगाई है, तो प्लीज़ उसका पैसा निकाल लीजिएगा, कमीशन मेरे अकाउंट में भिजवा दीजिए।